जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का चुनाव मुकाबला संपन्न हो गया। हालांकि चुनावी मुकाबले के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान से कांग्रेस को असहज कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू में चुनाव प्रचार को तवज्जो नहीं दी। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के बीच उमर अब्दुल्ला ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने कोई खास मेहनत नहीं की है। कांग्रेस ने जम्मू में चुनाव प्रचार को तवज्जो नहीं दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी जम्मू पर ध्यान देंगे, क्योंकि कश्मीर में कांग्रेस ने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कश्मीर की 2-3 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, हमें लगा अब वो जम्मू पर फोकस करेंगे। कांग्रेस ने कश्मीर में जो भी किया वो जरूरी नहीं था, लेकिन जम्मू में उन्होंने जो किया उसका प्रभाव पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि हमें जितनी उम्मीद थी उसकी तुलना में कांग्रेस ने जम्मू में कुछ भी नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहां पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बड़गांव सीट से चुनाव मैदान में हैं। दोनों सीटों पर उन्हें पीडीपी समेत कई उम्मीदवारों से करारी टक्कर मिल रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले चरण के मतदान अच्छे हुए, दूसरे चरण में भी हमें जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस के प्रचार पर नाराजगी जताने वाले उमर अब्दुल्ला के बयान के कई मायने भी निकाले जा रही हैं। कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद थी कि कांग्रेस चुनाव प्रचार में जम्मू रीजन पर खास तवज्जो देगी और बीजेपी को चुनौती देगी, लेकिन कांग्रेस ने कश्मीर घाटी में चुनाव प्रचार पर भी फोकस रखते हुए अपने वोट बैंक को बरकरार रखने पर विशेष ध्यान दिया है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान ये भी जाहिर कर रहा है कि सीट बंटवारे के फार्मूले के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति के मुताबिक चुनावी कैंपेन तैयार किया है। जम्मू कश्मीर में जहां उमर अब्दुल्ला की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।